लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी नोकिया के तआवुन से लाहौर की एमएम आलम रोड पर जदीद सेंसर्स नस्ब करेगी। इस प्रोजेक्ट से लाहौर में क्या मुस्बत तब्दीली आएगी, जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर को सेफ एंड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। इस ज़िमन में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी नोकिया के तआवुन से पहला स्मार्ट सिटी पायलट प्रोजेक्ट लाहौर की एमएम आलम रोड पर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए नोकिया का आला सतही वफ्द इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हो रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को अहम संगे मील करार देते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सेफ सिटी को हम स्मार्ट सिटी में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में अवेलेबल है उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एक तरीके के साथ। तो इस चीज़ को, इसमें जो लेसन्स लर्नड हैं, जो स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारों को इनकॉर्पोरेट करके स्टडी करके हम इस पोजीशन में होंगे कि इस सारे सिस्टम को ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाद में रेप्लिकेट किया जा सके। इस पायलट प्रोजेक्ट में नोकिया MM Alam रोड लाहौर और लिबर्टी में जदीद सेंसर्स नस्ब करेगा। We are connecting multiple sensors showing multiple use cases from waste management, smart parking, smart lighting and so on. So definitely this will have a very good impact. दुबई एक्सपो 2020 में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और नोकिया इंटरप्राइजेस के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए और अब जल्द ही ये मंसूबा अमली शक्ल में हमारे सामने होगा। लाहौर स्मार्ट सिटी पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला मंसूबा होगा जिसकी कामयाबी से तकमील पाकिस्तान में मजीद सेफ एंड स्मार्ट प्रोजेक्ट्स की राह हमवार करेगी।